मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा मणिपुर हिंसा से देश शर्मिंदा। प्रधानमंत्री मोदी को देना होगा जवाब, मार्केटिंग में प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब, कहा एफआईआर रजिस्टर्ड करने से बढ़े आंकड़े, भाजपा वाले कर रहे दुरुपयोग, न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला, इस पर हम अपने हिसाब से चर्चा कर लेंगे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान, कहा विधायक और मंत्री केवल लीडर नहीं, कार्यकर्ताओं का रखूंगा ध्यान। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे लेक सिटी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी पहुंचे उदयपुर, एयरपोर्ट पर भाजपा नेता गजपाल सिंह, किरण जैन ने किया स्वागत। राजेंद्र गुड़ा को लेकर बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का ट्वीट, कहा गुड़ा सहित सभी 6 विधायकों के लिए पार्टी के दरवाजे बंद, नहीं होगी घर वापसी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे दौसा, दौसा जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, प्रदेश सरकार का जमकर किया घेराव। सच बेधड़क से खास बातचीत में बोले विधायक राजेंद्र गुड़ा, जो बोला सच बोला, जनता का हित देखा, चुनाव लड़ूंगा या नहीं मगर भाजपा में नहीं जाऊंगा। विधायक हरीश मीणा ने लिखा जलदाय मंत्री महेश जोशी को पत्र, पेयजल समस्या को लेकर लिखा पत्र, टोंक की दूनी नगर पालिका को अमृत 2.0 योजना में सम्मिलित करने की मांग। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया बामनवास दौरे पर रहे, स्थानीय भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, स्थानीय लोगों से चर्चा कर सुनी समस्याएं। सीकर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला, घटनास्थल पर पहुंचे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, आईजी जयपुर रेंज उमेश दत्ता, एसपी सीकर करण शर्मा मौजूद रहे। टोंक के नासीरदा में अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीणों में आक्रोश, विद्युत व्यवस्था सुचारू करने की मांग, अघोषित कटौती के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर दौरे की तैयारियां तेज, झुंझुनू के नवलगढ़ और चिड़ावा में हुई बैठक, भाजपा नेताओं ने तैयारियों का लिया फीडबैक। भरतपुर के रुद्रावल में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक बालक को बचाने के प्रयास में 2 बालकों की मौत। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई, मत्स्य फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 20 लाख रुपए का लोन लेने के बाद लोन नहीं चुकाने पर आरोपी किया गिरफ्तार। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक पुष्पा सत्यानी पहुंची अलवर, कृषि उपज मंडी समिति में उनका अधिकारियों ने किया स्वागत, सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज के जमीन आवंटन का किया फील्ड विजिट। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी, संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर ने बैठक कर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से मांगा सहयोग। धौलपुर के रामसागड़ा में महिला ने फंदे से लटक कर किया सुसाइड, पीहर पक्ष ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर जताया विरोध, दुष्कर्मी को फांसी की सजा देने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ के हीरा होटल पर वज्री विवाद में हुई फायरिंग का मामला, वारदात को लेकर एक और प्रकरण हुआ दर्ज, पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बरसाती पानी बना जी का जंजाल, गंदे बदबूदार पानी में रहने को मजबूर मोहल्लेवासी, वार्ड 7 और 8 के मध्य गली के निवासियों का जलभराव से हो रहा है हाल बेहाल। चुरू के सदर थाना इलाके में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने जेठ जेठानी सहित 5 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, पहले इलाके में फैली सनसनी। जैसलमेर में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता 25 जुलाई को जेसीसीबी प्रधान कार्यालय का करेंगे घेराव, प्रेस वार्ता कर बैंक पर लगाए घोटालों और फर्जी लोन सहित तमाम भ्रष्टाचार के आरोप। खेडली और कठूमर कस्बे में कांग्रेस पार्टी की मजबूती और चुनाव को लेकर बैठक आयोजित, विधायक बाबूलाल बैरवा, अलवर जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने रखे अपने विचार। दौसा के नामनेर निवासी मान सिंह की आकस्मिक मृत्यु होने का मामला, पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा ने नामनेर गांव जाकर मृतक के परिवारजनों को ढांढस बताया, हर संभव सहायता करने का भरोसा दिलाया।
श्रीगंगानगर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अंशदीप सिंह का श्री विजयनगर दौरा, पंचायत समिति सभागार में ली बैठक, सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। उनियारा में अवैध मछली परिवहन करना पड़ा महंगा, अवैध मछली परिवहन की पिकअप के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, 3 अगस्त तक भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। जयपुर की करधनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपियों गिरफ्तार कर लाखों के जेवर बरामद। कोटपुतली के नारायणपुर में जर्जर जलदाय विभाग टंकी हादसे को दे रही न्योता, सहायक अभियंता ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेशों की नहीं की पालना, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। उदयपुर के सलूम्बर में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा रहे मुख्य अतिथि, विद्यार्थियों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। जैसलमेर के भणियाणा में किसान नेता स्वर्गीय खरताराम जाखड़ की 6वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर व खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, कैबिनेट मंत्री शालेह मोहम्मद ने कार्यक्रम में की शिरकत। धौलपुर के बाड़ी में टीवी मैकेनिक से गाली गलौज कर धमकाने का मामला आया सामने, कोतवाली थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। चुरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में नियमों की अनदेखी, मेडिकल बायोवेस्ट का खुले में होना हुआ निस्तारण, जानकारी के बाद भी बेपरवाह जिम्मेदार। पाली का तखतगढ़ नगर पालिका बोर्ड कर रहा विकास को दरकिनार, वार्डो में विकास नहीं होने से आमजन में आक्रोश, लोगों ने पार्षद और पालिका अध्यक्ष का पुतला किया दहन। करौली में आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में भागवत कथा की शुरुआत, गोविंद देव जी मंदिर से मदन मोहन जी मंदिर तक निकाली गई कलश यात्रा। चोमू के चितवाड़ी गांव में सम्मान आपके द्वार कार्यक्रम, पीसी सचिव डॉक्टर शिखा मील बराला ने शुरू की सामाजिक सरोकार की पहल, करीब 4000 वृद्धजनों का कार्यक्रम में किया गया सम्मान। बूंदी के हिंडोली में अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ भाजपा ने धरना प्रदर्शन का किया ऐलान, भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम कार्यालय के घेराव की दी जानकारी। चित्तौड़गढ़ की राशमी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घर पर बनी परचूनी दुकान पर छापामार, बरामद की 800 ग्राम अफीम, आरोपी गिरफ्तार। भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पहुंचे अजमेर, एडीएस से तिराहे पर किया गया भव्य स्वागत, भाजपा कार्यालय में संभाग स्तरीय बैठक लेकर लिया फीडबैक। दौसा के सिकंदरा में मंत्री ममता भूपेश ने किया पंचायत समिति के नवीन भवन का शिलान्यास, प्रधान सुल्तान बैरवा व सरपंच संघ ने 51 किलो की माला व पीली लुगड़ी उड़ाकर किया मंत्री का स्वागत। भीलवाड़ा में इनलैंड कंटेनर डिपो का नवीनीकरण और पुनर्संचालन समारोह, मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री रामलाल जाट रहे मौजूद, मंत्री शकुंतला रावत ने मणिपुर हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जोधपुर, एयरपोर्ट पर मीडिया से की बातचीत, मुख्यमंत्री गहलोत पर बोला जुबानी हमला। जोधपुर में भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर संभाग स्तरीय बैठक, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने की चर्चा, अभियान को सफल बनाने के निर्देश। प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी का मामला, राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी के बाद अब विधायक दिव्या मदेड़ना तलब, प्रदेश प्रभारी रंधावा से की मुलाकात। टोंक के निवाई में पूर्व उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा की 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, पूर्व उप मुख्यमंत्री की जीवनी पर डाला गया प्रकाश, पूर्व विधायक कमल बैरवा सहित अन्य लोग रहे मौजूद। बारा में बिजली कटौती से आमजन परेशान, रामनगर इलाके के लोगों ने डिस्कॉम कार्यालय के बाहर जड़ा ताला, जमकर की नारेबाजी। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 30 जुलाई को, दौसा मुख्यालय पर 37 केंद्र पर होगी परीक्षा आयोजित, 2 पारियों में होगी परीक्षा आयोजित। जोधपुर में गाय पकड़ने गए नगर निगम के दस्ते से मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गाय मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होने की सूचना। भीलवाड़ा के लांबा में बनेगा सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन, खारी के लांबा में देवनारायण मंदिर के निकट पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ कार्य। जैसलमेर के लाठी में गाय को 108 एम्बुलेंस ने मारी टक्कर, हादसे में गाय की मौके पर मौत, एम्बुलेंस का अगला हिस्सा हुआ पूरी तरह क्षतिग्रस्त।
करौली की सदर थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध स्मैक के साथ सप्लाई देने आए दुयकों के साथ तीन लोगों को किया गिरफ्तार, बाइक और दो मोबाइल फोन जब्त। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में युवती की चाकू से हत्या का मामला आया सामने, मृतका के घर के थोड़ी दूर पर रहने वाले युवक ने फांसी लाकर किया सुसाइड, पुलिस कर रही मामले की जांच। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान, बोले गुढ़ा ने सही बात सदन में उठाई, मुख्यमंत्री के सरकार बचाने वाले बयान पर भी किया कटाक्ष। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे नीलकंठ महादेव मंदिर, कार्यकर्ताओं के साथ की विशेष पूजा अर्चना। कोटपुतली के बहरोड थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन के भाई को किया गिरफ्तार। राजस्थान भाजपा का बढ़ा कुंभा, कई बड़े नेताओं ने थामा भाजपा का दामन, डीडी कुमावत की घर वापसी, कुल 17 लोग हुए भाजपा में शामिल। बालोतरा में तूफानी बारिश ने बरपाया कहर, बीपीएल क्वार्टर की गिरी छत, दो लोग घायल, घायलों को कराए गए अस्पताल भर्ती। जोधपुर में दो घंटे की बारिश से हाल बेहाल, शास्त्री नगर में मकान की गिरी बालकनी, बालकनी गिरने से महिला की मौत। कोटपुतली में 7 दिन पहले छुट्टी पर आया आईटीबीपी के जवान का शव कुएं मिलने से पहली सनसनी, 3 दिन पहले घर से हुआ था लापता, पुलिस कर रही मामले की जांच। पाली में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से हुई तबाही का असर बरकरार, पिछले एक महीने से टूटा पड़ा है नाला, ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सिरोही के रेवदर में फंदा लाकर युवक ने की आत्महत्या, अनादरा थाने के पास पामेरा गांव की घटना। जयपुर की सूरजपोल मंडी में बदमाशों ने लगाई डिस्पोजेबल सामान की दुकान में आग, तकरीबन 20 लाख रुपए का डिस्पोजेबल सामान जलकर राख। उदयपुर में लगातार हुई बारिश से केलू पोष मकान हुआ धराशायी, घर में सो रहे दंपति और मासूम घायल, गोगुंदा थाना क्षेत्र के थोरिया खेड़ा की घटना। कोटा के रंगबाड़ी में दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट का मामला, पुलिस कार्रवाई से बौखलाए बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को पीटा, प्रॉपर्टी खरीद फरोख से जुड़ा है विवाद। सीकर के नीमका थाना में पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल का जोरदार स्वागत, कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जताई खुशी, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सिरोही में प्रशासनिक दावों की खुली पोल, बाड़ा गांव में शमशान घाट जाते समय जान जोखिम में डाल रहे ग्रामीण, नदी पर पहुंचते हैं शमशान घाट। सिरोही में भीषण सड़क हादसा, 3 दुपहिया वाहन आपस में टकराए, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में। अलवर के थाना गाजी में अस्पताल हुआ दुर्दशा का शिकार, विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते सारी व्यवस्थाएं खराब, अस्पताल के पंखे बंद, गर्मी से आमजन परेशान। जोधपुर में आबकारी निरोधक दल ने 2 जगह मारे छापे, अवैध शराब की फैक्ट्रियों के सीज, भारी मात्रा में शराब बरामद। कुंभलगढ़ की जड़ता और पीपला की पासुंदा पहाड़ी पर इन दिनों हिल स्टेशन जैसा नजारा, पर्यटक ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग का उठा रहे हैं लुत्फ। जयपुर में मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र के एम्बुलेंस के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, सूचना पर पहुंची दमकल, आग पर पाया काबू, लाखों रुपए का सामान दस्तावेज जलकर राख। सवाई माधोपुर के जस्टाना गांव में सर्प दंश से महिला की मौत, पुलिस ने महिला के शव का कराया पोस्टमार्टम। घग्गर नदी में पानी के लगातार आवक के चलते सूरतगढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा, सिलवानी अमरपुरा गांव के पास बांध टूटे, ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन की सहायता से बांधों पर फिर से दिया बाढ़। जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरदारपुरा थाना इलाके में एसओएचओ कैफे पर मारा छापा, 24 लोग गिरफ्तार, 4 लग्जरी कार, 6 बाइक सहित बड़ी मात्रा में हुक्का पाइप फ्लेवर सामग्री जब्त। राजसमंद के आमेट में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर लगाया ताला, स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज, 5 शिक्षकों में से 2 को डेपुटेशन पर लगाने से थे नाराज। दौसा के सिकंदरा में ब्रज चौरासी कोस की पैदल यात्रा पर निकला जगदीश गुर्जर, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य, पहले भी कर चुके हैं इसी तरह की कई यात्राएं।
श्रीगंगानगर के पदमपुर में बदला मौसम का मिजाज, पदमपुर सहित आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति। जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश, डेढ़ घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, निचले इलाके में कई बस्तियां जलमग्न, एक बार फिर रूपनगर क्षेत्र में पानी ही पानी। धौलपुर में कुशवाहा समाज ने किया विधायक मलिंगा का अभिनंदन, लवकुश बोर्ड गठन को लेकर जताई खुशी। सवाई माधोपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टा चलाने वाला गिरफ्तार, टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाकर चला रहे थे सट्टा। झालावाड़ के बकानी में पुलिस की कार्रवाई, अवैध देसी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 6 कार्टन में 288 पौए, एक बाइक जब्त। अजमेर के पीसांगन में सागरमती नदी के तेज बहाव में बाइक समेत बहा युवक, रेस्क्यू टीम को बाइक मिली लेकिन गुम हुए युवक की तलाश अभी भी जारी। राजसमंद में गंदगी से रायसागर झील का गला घोटने की तैयारी, झील में डाली जा रही गंदगी, गंदगी से दूषित हो रहा पानी, युवाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में घर में सो रही युवती की चाकू से वार कर हत्या, ज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर के कलसाड़ा में युवक को गवाही देना पड़ा भारी, युवक के साथ की गई भयंकर मारपीट, आंख में लगी गंभीर चोट। टोंक के देवली में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन, निवारिया जीएसएस पर ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, ड्यूटी पर तैनात जीएसएस कर्मचारी के साथ सब स्टेशन में घुसकर मारपीट, एक गिरफ्तार। भीलवाड़ा के कोटली में चोरों का आतंक, चोरों ने 6 दुकानों मकानों को बनाया निशाना, नकदी सहित लाखों की कीमत सामान पर हाथ साफ किया। जैसलमेर के डावला रोड पर सुनसान जंगल में मिली एक युवक की लाश, इलाके में फैली सनसनी, ग्रामीणों ने शहर कोतवाली पुलिस को दी सूचना। दौसा साइबर सेल और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 75 लाख कीमत के 489 मोबाइल ट्रेस कर किए बरामद, एसपी बंदिता राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जायरीन के मोबाइल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, उत्तर प्रदेश की गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार, 44 मोबाइल फोन जब्त। जोधपुर में रिश्ते तार तार, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सिरोही के शिवगंज में स्कूल प्रिंसिपल पर बच्चों ने लगाए अत्याचार करने के आरोप, धूप में मुर्गा बनाकर मारपीट करने के लगाए आरोप। टोंक के दूनी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, मुख्य रोड की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी नहीं हो रहा निर्माण कार्य। टोंक के उनियारा में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत गांव में जाकर लोगों को बताई नाकामियां, पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को बांटे कांग्रेस के फेल कार्ड। उदयपुर में भारतीय कांग्रेस कमेटी का विरोध प्रदर्शन, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का किया मांग, विवेक कटारा के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। नोखा के साजनवासी गांव में विद्यार्थियों का आंदोलन तेज, 7 दिनों से बच्चों का धरना जारी, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक जताया विरोध। खाजूवाला में हुई अच्छी बारिश से किसानों के खिले चेहरे, पहली ही बारिश में सफाई व्यवस्था की खुली पोल, नालियां हुई अवरुद्ध, हॉस्पिटल रोड जलमग्न। झालावाड़ की एडीजे कोर्ट का फैसला, जमीन विवाद को लेकर हुए हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, दोनों आरोपियों को 50,000 के अर्थदंड भी लगाया। धौलपुर के एकलव्य नगर में चोरी की वारदात, चोरों ने घर से चुराई साइकिल, स्कूटी की डिक्की से नकदी पार। झालावाड़ के बकानी में एमपी निवासी सरपंच प्रतिनिधि जगदीश वर्मा की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टोडा भीम पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का हुआ स्वागत, भरतपुर जाते वक्त टोडा भीम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीकानेर में 5 दिनों से पीएम अस्पताल में नर्सेस का धरना जारी, सुंदरकांड का पाठ कर जताया विरोध, सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति सीकर की ओर से कल्याण अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ हुआ आयोजित, 11 सूत्री मांग को लेकर हो रहा है धरना प्रदर्शन। अवैध हथियार के खिलाफ अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी किया गिरफ्तार, आरोपी के राजू ठेठ गैंग से कनेक्शन होने का शक।
बीकानेर में इंडिया एमएसएमई सप्ताह हुआ प्रारंभ। उद्यमियों और निवेशकों को लघु और मध्यम उद्योगों में नए निवेश के प्रोत्साहित करने का उद्देश्य। कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर चलाए जाएंगे जागरूकता कार्यक्रम। जोधपुर के ओसिया में पहाड़ियों पर स्थित घाटीनाथ महादेव मंदिर पर बनी 63 फीट की शिव प्रतिमा 3,81,00,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही है प्रतिमा। देश भर में 44 जगहों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। कार्यक्रम में बीसी के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। सीमा हैदर को नागरिकता देने की मांग। सीमा हैदर की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका, सीमा हैदर की ओर से राष्ट्रपति को दी गई है अर्जी। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद रंजिता रंजन ने उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। पानी के बीच मझधार में फंसी रोडवेज बस, 3 दर्जन यात्री पानी में फंसे, मची चीख पुकार। इंग्लैंड की संसद में उठा मणिपुर का मुद्दा। सांसद ने कहा हिंसा में चर्च भी जलाए जा रहे, 100 से ज्यादा लोग मरे, इंग्लैंड के चर्च से मांगी मदद। अमेरिका बोला भारत ने मांगी मदद तो हम तैयार। मणिपुर में निवस्त्र घुमाई गई महिला के रिटायर्ड सूबेदार पति का छलका दर्द, बोले कारगिल युद्ध में देश के दुश्मनों से बचाया, पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। 4 मई को थौबाल जिले में हुई थी घटना। श्रीलंका में इस्तेमाल होगा भारतीय यूपीआई, राष्ट्रपति विक्रम सिंघे बोले मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री ने कहा मुसीबत में हम आपके साथ। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। गंगा यमुना खतरे के निशान के करीब, बागपत बिजनौर के गांव में घुसा पानी। ओएनडीसी पर सस्ता टमाटर बेचेगी सरकार, 70 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर बेचने की तैयारी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ की जा रही है बातचीत। देश में भूकंप आने का सिलसिला लगातार जारी, कल जयपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.3 रही तीव्रता। कोहली 500वें इंटरनेशनल मैच में शतक लगाने वाले पहले बैटर। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी, सबसे तेज 76 शतक लगाकर तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। गदर 2 का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, बेटे के साथ बॉर्डर पर दौड़ते दिखे तारा सिंह, यूजर्स बोले पोस्टर खतरनाक है तो फिल्म कैसी होगी। विवेक ओबराय के साथ हुई 1.55 करोड़ की ठगी, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बिजनेस पार्टनर्स ने दिया धोखा, एक्टर ने दर्ज करवाया केस। विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग वेब सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का ट्रेलर रिलीज, एक्टर अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक में आएंगे नजर।